नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर अमेठी से है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके योगदान को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सेवा दल के जिला महासचिव संजय गुप्ता की अगुवाई में निजामुद्दीनपुर चौराहे पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रख आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सच्चा भारत रत्न, महान राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक बताया। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा वट वृक्ष अब नहीं रहा। उनकी मृत्यु के साथ देश ने एक कुशल राजनेता को खो दिया। वह एक कुशल प्रशासक और सही मायनों में भारत रत्न थे। अव्यवस्था में विभिन्न पदों पर रहते हुए बड़ा योगदान किया। उनका कद काफी ऊंचा था और वह गहरी समझ रखते थे। इस मौके पर राजू ओझा, जय बहादुर यादव, मो जफर, राणा प्रताप यादव, राहुल गुप्ता, सनाउल्ला, संत राम निषाद आदि रहे। मध्यांचल ब्यूरो रामप्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है? जय बहादुर यादव, गौरीगंज कांग्रेस अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? कल यानी कि 31 अगस्त को भारत के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का देहावसान हो गया था और उसी क्रम में आज उनके जीवन वृत्तांत और देश हित में किए गए उनके कार्यों, उनकी सेवा के बारे में चर्चा कर, याद करके, श्रद्धा सुमन अर्पित कर, मौन धारण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और राष्ट्रपति रहते हुए, इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए, जिस प्रकार से अलौकिक योगदान के तहत भारत ने अनेकों कीर्तिमान रचे, उस पर देश आज उनको नमन करता है। सिर्फ एक विशेष दल नहीं, बल्कि पूरा देश और विश्व स्तर पर वो एक कोहिनूर हीरे के समान थे। पुनः उनको बहुत बहुत नमन।